आप जाऊंगा आपके साथ भी। अब अगर वो आएंगी तो मैं जाऊंगा उनसे मिलने, मैं बताऊंगा उनको कि मैं बल्कि लोकतंत्र समर्थक ज्यादा हूँ, तो मैं जाकर के उनसे मिलूंगा। मैं कहूंगा कि आपने सिर्फ जुमले किए दिए और अमेठी की जनता को चला, और अमेठी की जनता ने आपको जवाब दे दिया, पुरजोर तरीके से जवाब दे दिया, और इस लेवल पे जवाब दिया है कि अब आपका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया है। अब आप जो है भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को दोबारा राज्यसभा भेजने के कतराएगी, सोचेगी कि इनका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, इनका तो ग्राउंड पे कुछ काम है ही नहीं है, ये तो बस एक मीडिया परसेप्शन, एक जो इन्होंने टीवी सीरियल से जो अपनी पॉपुलरिटी बनाई थी, ये तो वही सब चल रहा था, नाटक करके जैसे इन्होंने अभी तक की पॉलिटिक्स की है वैसे ही इनकी ये पॉलिटिक्स समाप्त होने जा रही है। लेकिन ये तो मानोगे, जब मैंने कहा था चलो तो गए नहीं थे, डर गए थे गुरु। वो दौर दूसरा था, अब ये दौर दूसरा है, आप जहाँ करेंगे हम वहां जाएंगे। और दूसरी चीज, तो आप तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अभी थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, जैसे वो बनारस की भाषा में कहते हैं ना, चपला बाहुबल, तो वैसे ही अमेठी की जनता ने भी इस बार जवाब दे दिया है, और देश की जनता भी नरेंद्र मोदी को भगाने जा रही है। आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे उसके पास चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।